कटनी जिले के विजय राघवगढ़ थाना की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया अंधे हत्याकांड का खुलासा। घटना के संबंध में जानकारी दी गई कि दशमत सिंह बरगाही पिता शंकर सिंह बरगाही 21 वर्ष निवासी ग्राम खिरवा नंबर 1 थाना विजय राघवगढ़ 24 अक्टूबर दोपहर 3 बजे अपने घर से मोटरसाइकिल से डबल रोटी ले जाने को कहकर गए थे। वहीं देर रात्रि तक घर नहीं पहुंचे, पर 25 अक्टूबर को रात 9:30 बजे देवी सिंह बरगाही की रिपोर्ट पर गुम इंसान दर्ज कर जांच में लिया गया था। तभी 27 अक्टूबर को सुबह पथरहटा गांव के पास आम पासी तालाब में शव पड़े होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाया कि शव दशमत सिंह बरगाही का है। मृतक का शव पंचायत नामक कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक दशमत का शव आम पासी तालाब पथरहटा के पास संदिग्ध अवस्था में मिलने पर मौके पर FSL अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी सुश्री शिखा सोनी द्वारा मौके पर निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र करते हुए पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक दशमत सिंह 24 तारीख को गांव के अनमोल रजक के साथ मोटरसाइकिल पर आ गया था तथा उसी दिनांक की रात 7-8 बजे ग्राम खलैंदा खिरवा के बीच मजीद पुलिया के पास सुरेंद्र तिवारी ने संजू उर्फ संजय चक्रवर्ती, अनमोल रजक एवं दशमत सिंह को आपस में मारपीट करते देखा था। संदेहियों संजू उर्फ संजय चक्रवर्ती अनमोल रजक के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया तो सभी कड़ियां परत दर परत खुलती गयी और अंधे हत्याकांड का खुलासा हो गया। तारीख को एक विजय राघवगढ़ थाने में खिरवा गांव से एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया था कि दशमत सिंह है जो कि 24 तारीख को ब्रेड लेने गए थे और इनका क्या ब्रेड का काम है और ये घर नहीं पहुंचे हैं, तो इनकी गुमशुदगी विजय राघवगढ़ थाने में दर्ज की गई थी। 27 तारीख को इनकी डेड बॉडी खिरवा के पास तालाब है वहां पर इनकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने मर कायम किया और एक टीम गठित की, इसमें पुलिस को कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता पड़ा कि ये हत्या का मामला हो सकता है। पंचनामा DM करा के इसमें पुलिस ने जो सस्पेक्ट थे उन लोगों को अभिरक्षा में लिया, जिसमें कि एक संजू चक्रवर्ती और दूसरा उसका साथी अनमोल रजक, इन दोनों को जब अभिरक्षा में लिया गया तो इन्होंने आपसी विवाद के चलते उसकी हत्या कार्य करना स्वीकार किया। उन्होंने उसके जो गमछा था उससे उसका गला घोट के हत्या की, फिर उसकी मोटरसाइकिल पर जो उसको उठा के ले गए और तालाब में उसकी गड़बड़ी फेंकी और वहीं इन्होंने मोटरसाइकिल भी तालाब में फेंक दी थी। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस अंधे हत्या का खुलासा किया।